हेलो गाइस, आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में, जिसमें आपको दिखाऊंगा IRCTC। इसमें क्या होता है कि इसमें पेमेंट में लोचा होता है, तो पेमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे इजीली ढंग से करें और इजी तरीके से करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं कर पाते तो मैं आज वही समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि UPI से अपना जो मोबाइल नंबर होता है, पेटीएम की UPI हो, फोन पे का हो, जो कुछ का भी हो, तो आप उससे कैसे पेमेंट करें और आपका तत्काल टिकट भी और जनरल टिकट भी हो जाए बहुत आसानी से। होता है एक्चुअली क्या है कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं या कोई सा भी जनरल टिकट बुक करते हैं, लेकिन आपका पेमेंट में डिले होने की वजह से आपका टिकट नहीं हो पाता है, टिकट कैंसिल हो जाता है, या तो फिर पेमेंट की वजह से टिकट फुल हो जाती है, तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात, समस्या ज़्यादा होती है तत्काल टिकट में। जनरल टिकट तो इजी हो जाती है, लेकिन तत्काल टिकट में समय और टाइम दोनों लिमिट होती है। अगर उस टाइम तक आप अगर पेमेंट करते हैं तो ठीक है, वरना आपका पेमेंट और टिकट दोनों नहीं हो पाती। तो मैं आज आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से कि कैसे आप पेमेंट करें जो इजी से पेमेंट हो जाए और UPI से ही हो, क्योंकि UPI से करने में इजी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, आप वन बाई वन करके आप मेरे वीडियो देखें और शुरू से अंत, और जो नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करें। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो कैप्चर कोड आता है तो ये सही नहीं आता कैप्चर कोड, तो इसको रिफ्रेश करने से आपको अच्छे से आएगा और आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको फेस करते हैं, जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अब यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड मतलब फर्स्ट वाला मेथड मतलब मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन चूज करना है आपको। भीम UPI वगैरह लिखा है लेकिन उस पर आपको नहीं जाना, क्योंकि यहीं पर लोग फंस जाते हैं, फंसने की वजह से आपका तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाती है जल्दी से। तो यहाँ पे कहाँ जाना है आपको, यहीं पे आपको बाहर से ध्यान देना है। अगर ये आपका सही हुआ, आपको यहाँ से टिकट पेमेंट करने में इजी होगा और आप किसी तरह का भी टिकट काट सकते हैं, जनरल से लेके तत्काल टिकट, वो बहुत ही इजीली आपका कट जाएगा यहाँ से, नहीं कभी कैंसिल होगी, ना कभी सीट फुल होगी, ना आपकी तत्काल फेलियर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देखें कि ये जो एयर पे जो है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे जिस तरह से मैं सिलेक्ट किया फ़ोन पे के नीचे है, इसको ही आपको सिलेक्ट करना है, मतलब पेटीएम, रोजा पे, फ़ोन पे, एयर पे, इंडस्ट्रियल बैंक, तो इसमें कोई नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ हमको एयर पे में ही सिलेक्ट करना है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका कभी भी फेलियर नहीं होगा, तत्काल टिकट हो या जनरल टिकट हो। जैसे इस पर आप पेमेंट का प्रोसेस डालेंगे तो आपका इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कुछ भी सिलेक्ट करना है, ATM, Paytm, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद में आपको इजली हो जाएगा, जो भी अभी टिकट का दिखा रहा है मैं तत्काल बुक कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर किसी का कोड, स्कैन कोड, बार कोड यूज़ करके भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अपना पेटीएम से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये भी कर सकते हैं। जैसे पेटीएम पे क्लिक करेंगे तो Paytm@Paytm लिख देता है, सिर्फ यहाँ पर आपको पेटीएम का नंबर डालना है। सपोज इस तरह से आप देख सकते हैं गौर से कि किस तरह से मैं डाला हूँ, आपको इस तरह से पेटीएम का नंबर डालना। नंबर डालने के बाद में जैसे आप पूरा बढ़िया से अच्छे से नंबर डालेंगे आपका कभी फेलियर नहीं होगा टिकट, तत्काल हो या जनरल हो, किसी तरह का भी, क्योंकि वहां से ऑप्शन पेमेंट में ही सब लोग टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट में ही गड़बड़ होती है जिसकी वजह से आपकी तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाती है और बहुत ही आप अफसोस में रह जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एंट्री किए तो यहाँ से ट्रांजेक्शन का लिख दिया, अगर आप यहाँ कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर दें, वरना यहाँ से आप मिनिमाइज करें अपने सिस्टम को। मिनिमाइज करने के बाद में आप डायरेक्ट पेटीएम पे जाएं। पेटीएम पे जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ परमिशन दे रहा है, परमिशन दें और उसके बाद में अपना
पिन नंबर डालने के बाद आपका ही कंप्लीट हो चुका। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक।